हाय वेलकम बैक टू सूर्य आर्चरी एकेडमी, दिस इज ज्ञानेश्वर एंड मबुना डिस्ट्रिक्ट आर्चरी कोच। एंड आज अपना पार्ट टू वीडियो एक्सीलेटर 370 का शूटिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मैंने नारल ला के रखा हूँ। सो वी आर गोइंग टू शूट ऑन देम, इस पर शूट करने वाले हैं। पुराने एरोस यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो क्रॉसबुक के साथ आते हैं वो मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर एरो डैमेज हो जाएगा तो परेशानी है। सो दीज आर द एरोस, बारनेट के एरोस है ये। सो बहुत ओल्ड एरोस है, लाइक लगभग 7 ईयर्स आई थिंक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कॉर्पियन एरो है। सो वी आर गोइंग टू शूट दिस एरोस ऑन द कोकोनट, यही एरोस अपन कोकोनट पे शूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना कोकोनट 20 मीटर्स पे अपन टारगेट रख चुके हैं। एंड वहाँ से मैं शूट करके बताऊँगा कितना अंदर पेनिट्रेट होता है एरो, देखना चाहता हूँ मैं भी। ये फर्स्ट टाइम है अपने वीडियो में, इसके बाद में बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहता हूँ मैं। मेटल पे शूट करना है मुझे, और इवन कार्डबोर्ड के जो कि वुडन कार्डबोर्ड्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उस पर भी शूट करके बताना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैं कोकोनट पे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रांग होता है, इवन ह्यूमन बॉडी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो चलो शूट करके देखते हैं। इनको नीचे पीस को शूट करें। सो आप एक बार देखिए, यू विल बी गेटिंग दैट। 20 मीटर्स पे हम कोकोनट रख चुके हैं। थोड़ा एक कैमरा में जूम नहीं होगा, बट वी आर शूटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 20। श्रीता प्लीज गिव मी द एरो। सो I am loading the same headhunter arrow, Barnett का है। We'll start. So हम अभी शूट कर रहे हैं 20 मीटर्स पे, एंड कोकोनट आपको क्लियर दिख रहा है अभी। सो लेट्स शूट द कोकोनट। लॉक, यस, ओके। So we got the coconut, I think. Let's see. And it was beautiful. चलो चलते हैं, साथ में आओ। And I'll show the coconut. And Srita will like, definitely like the coconut shot. यार ये तो एरो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो completely एरो finished. So देर इज़ नो नीड टू से दैट, ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटिफुल शॉट है। सो आप देख सकते हो, आई वॉन्ट टू पुल द एरो। एंड यहाँ पे आप वाटर भी देख सकते हो, पूरा वाटर डिपिंग हो रहा है, कैन सी दैट। एंड अब हमें हो गया। सो इवन आफ्टर हिटिंग द कोकोनट इतना अंदर जा चुका है। सो यू कैन सी, तो आप समझ सकते हो कितना डेंजर है। एंड इसे फोड़ के ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो फ्लचेस पूरे ख़राब हो जाएंगे। बट इट वॉज ब्यूटिफुल शॉट। सो अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कोकोनट्स है, ये 3 कोकोनट्स पे शूट करने वाले फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। तो चलो श्रीता, आर यू रेडी? यस सर। यस सर, चलो रेडी। एंड अभी 20 मीटर्स पे शूट करने वाले हैं, आप एक बार टारगेट तरफ देख सकते हो। सो वहाँ पे अपना और एक कैमरा भी लगा चुके हैं। सो 3 कोकोनट्स पे शूट करने वाले हैं। एंड सुजाता, आर यू रेडी? राइट। सो अभी 20 मीटर्स पे ऑन द 3 कोकोनट्स वी आर रेडी। So, right, lock, okay. Yes, we got the 3 coconuts. इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक तीन भी चले गए। सो लेट्स सी दैट शॉट। आई डोंट सी दैट।
सब कुछ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वी गॉट द नॉक हियर, बस नाक बच चुका है एंड कम्प्लीटली शाफ्ट इन है एंड कम्प्लीटली यहाँ पे भी आप देख सकते हो टारगेट में जा चुका है। इवन द थ्री कोकोनट्स कांट स्टॉप, XP 370 का शॉट पे ये रुक नहीं पाएगा। मतलब एक्सीलेटर 370 इज अ ब्यूटीफुल क्रॉसबो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ क्लियर दैट इवन फ्रॉम द 20 मीटर्स पे भी ये बहुत एक्यूरेटली एंड स्ट्रांगली शूट कर रहा है। सो इट्स गुड वन। तो हम निकाल के देखते हैं, लेट्स सी। ओ बहुत अंदर जा चुका है। सो आप देख सकते हो वी गॉट 3 3/4 inch इन द टारगेट एंड 3 के 3 कोकोनट्स तो ब्लास्ट हो चुके हैं, बट वाटर ड्रिपिंग नहीं हो रहा है। शायद ऊपर के तरफ होगा या नहीं तो ओनली फ्लैश को मार के गया होगा, बट इट्स ओके, इट्स इन द सेंटर। आप ऊपर से भी एक बार वीडियो देख लेना, यू कैन सी दैट शॉट्स कितना अच्छा शूटिंग हो चुका है। जस्ट सी, ओके। सो आपको बीच में से थोड़ा ये है, यहाँ पे तो बीच में आ चुका है, बट इट्स फाइन। लेट्स रिमूव द एरो। नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रांग है। ओ वाटर ड्रिप हो रहा है, अभी निकालते वक्त वाटर ड्रिप हो रहा है। सो यस, आप देख सकते हो। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, और एक निकाल लेते हैं। यस द सेकंड वन, थोड़ा ये है, खारा है। एंड द लास्ट वन, ओ यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे फ्लचेस आई थिंक खराब हो गए होंगे, बट फिर भी कोशिश करते हैं। यू कैन सी दिस, फ्लचेस कुछ ख़राब नहीं है, दे आर ऑल ओके, बट यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बेंडिंग दिख रहा है एंड इसमें से भी पानी आपको ड्रिपिंग हो रहा है। सो अभी हम 30 मीटर्स पे शूट करने वाले, इससे पहले हमने शूट किए थे 20 मीटर्स पे कोकोनट्स पे। अभी हम डिस्टेंस चेक करने वाले क्रॉसबो का, एक्सीलेटर 370 प्लस। सो रवि शूटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स एंड ये बच्चा नया है एंड लॉक ओपन कर रहा है अभी, राइट, एंड ही इज़ न्यू इन द क्रॉसबो, बट लेट्स सी द शॉट। ओके डन, ही गॉट द शॉट एंड इन द टारगेट ए, रेड में गिर चुका है। मैं आपको करीब से भी एक शॉट बताऊंगा। ये है अपना टारगेट रेंज 10 मीटर्स एंड ये है 20 मीटर्स। इससे पहले हम कोकोनट शूट किए थे, बस एक डिस्टेंस शॉट करना था, वो भी मेरे स्टूडेंट के साथ शूट करवाना था, तो अभी मैंने 30 मीटर्स पे शूट किया है। रवि एकर पॉइंट जेस नोनू, यू पॉइंटेड इन येलो, सो यू गॉट द 7 डाउन 7, ओके 6:07। सो अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है। इवन मेरा स्टूडेंट नया है ये, जो भी नाम है रवि है इनका, सो ही वॉज पॉइंटिंग इन द 10, सो ही गॉट द 7। मतलब आप समझ सकते हो ये एक्यूरेसी में कहीं कमी नहीं है। सो यू आर गेटिंग वेरी गुड शॉट विद द बार्नेट, सॉरी EK आर्चरी एक्सीलेटर 370 प्लस। सो इससे पहले रवि शूट किया था 30 मीटर्स, सो आई वॉन्ट टू गिव हिम अनदर चांस फॉर द 50 मीटर्स ऑल्सो। तो 50 मीटर्स में भी रवि शूट करने वाला है एंड एज आई सेड ही इज़ अ न्यू एंड अ बिगिनर, ये प्रोफेशनल नहीं है क्रॉसबो में, फिर भी आई वॉन्ट टू गिव हिम अ चांस बिकॉज मैं भी देखना चाहता हूँ अगर नया कोई क्रॉसबो शूट करता है तो कितना एक्यूरेटली शूट करता है, ये देखने के लिए मैंने इसे क्रॉसबो दे चुका हूँ। आप यहाँ पर रेंज भी देख सकते हो, कम्प्लीटली क्लियर है, कोई इंसान या कोई जानवर यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एंड श्रीता, आर यू रेडी? यस, ओके रेडी। सो लोड करो रवि, लोड द एरो एंड वी आर एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। रवि अभी एरो लोड कर रहा है, ओके फाइन। डू यू वांट टू सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन शूट? यस, ओके ओके राइट फाइन। यू वांट टू शूट स्टैंडिंग पोजीशन? ओ स्टैंडिंग पोजीशन पे ही शूट करना चाहता है, लेट्स सी द शॉट।
सो इट वॉज ब्यूटिफुल 50 मीटर्स पे इन द स्टैंडिंग पोजिशन ही वॉज एमिंग इन द येल्लो सो एरो गिरा है नीचे डाउन 6 o'clock ऑन ग्रीन मैट करीब जाके हम देखते हैं सो एक्चुअली 50 मीटर्स पे एक्यूरेसी होती है बट थोड़ा सा हल्का सा भी अगर आप मूवमेंट दोगे तो एरो नीचे आ जाएगा बट वी हैव द एरो ऑन द टारगेट इसमें कोई मिस नहीं है बोर्ड पे ही एरो आप देख सकते हो थोड़ा नीचे है लेट्स सी श्रीता गो फाइंड द एरो सो सी इज़ द ट्रैकर यू नो 30 मीटर्स 50 मीटर्स पे श्रीता कंपाउंड में शूट करती है बहुत एक्यूरेटली एंड रिसेंटली इनका स्कोरिंग किया था मैं श्रीता का सो शी वॉज शूटिंग 330 मार रही थी सो सी फाउंड द एरो सी शोइंग ऑल्सो सो आप देख सकते हो डेप्थ पेनिट्रेशन यहाँ पे सो एरो कम्प्लीटली बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हो चुका है विल रिमूव दिस सो आप देख सकते हो कितना अंदर पेनिट्रेट हुआ है सो ये यहाँ पे था करीब करीब 1.5 feet डाउन सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो अपना रवि बिगिनर था विल हैव द शॉट अनदर शॉट एंड मैं इसका स्कोप ज़ीरो करने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोप ज़ीरो करके 50 मीटर्स पे एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है इसमें एंड विल सी दैट एंड श्रीता से थैंक यू से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नो लाइक यस लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे Have a nice day. Bye. Bye.